हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू खालसा लिटिल फ्लावर लर्न फ्रॉम होम प्रोग्राम ओके स्टूडेंट्स नाउ ओपन योर इंग्लिश वर्क बुक स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जैक्टिव अब देखो नाउ आई विल टेल यू आई हैव अ ब्यूटिफुल डॉल मैंने ये बोला कि आई हैव अ ब्यूटिफुल डॉल यानी मेरे पास बहुत सुंदर डॉल है ब्यूटिफुल तो मैंने अपनी डॉल के बारे में आपको क्या बताया ब्यूटीफुल हाउ इज माई डॉल ब्यूटीफुल तो ये ब्यूटीफुल मीन्स क्या ब्यूटीफुल सेज अ समथिंग अबाउट नाउन नाउ डॉल इज अउन हमें उसके बारे में बताता है कि डॉल कैसी है ब्यूटिफुल तो वर्ड ब्यूटिफुल इज एग्जैक्टिव ओके वर्ड ब्यूटिफुल क्या है एग्जैक्टिव नाव सेकेंड एग्जाम्पल आई विल से यू दैट रोहन इज अ क्लेवर बॉय रोहन इज अ क्लेवर बॉय रोहन कैसा है तो मैंने उसके बारे में आपको क्या बताया क्या डिस्क्राइब किया इज अ क्लेवर बॉय तो क्लेवर इज अ एक्जैक्टिव ओके नाउ सी एन एक्जेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन एक्जेक्टिव क्या है वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करता है क्या डिस्क्राइब करता है नाउन नाउ वॉट डू यू मीन बाई नाउन नाउन आपको पता है ना नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग यानी सेंटेंस में हमें जो नाउन के बारे में कुछ बताता है वो वर्ड है एक्जेक्टिव सी नाउन मीन्स पर्सन प्लेस एनिमल थिंग और एन आइडिया ओके नाउ एन एग्जेक्टिव कैन टेल अब एग्जेक्टिव हमें कौन से कौन से वर्ड से पता चलेगा ए क्वालिटी हमें कोई भी चीज़ की क्वालिटी पता चल सकती है क्वालिटी मीन्स जैसे ऑनेस्ट ऑनेस्ट रीच लेजी क्लेवर ये सारी क्वालिटीज है जैसे क्लेवर फिर डल ये सारी क्वालिटीज़ है ओके दिस वर्ड्स आर एग्जेक्टिव सेकेंड वन कलर जैसे हमें कोई चीज़ का कलर आए अगर मैं आई से क्या आई हैव अ रेड कार तो मेरी कार कैसी है रेड तो रेड इज एन एग्जेक्टिव ओके तो कलर्स भी हमें एग्जेक्टिव में वर्ड्स आते हैं रेड वाइट ग्रीन एनी कलर्स नाउ साइज साइज हमें कोई भी चीज की जैसे साइज पता चलती है आई हैव अ बिग बॉल तो हाउ इज माई बॉल इट इज बिग तो बिग इज एन एक्जेक्टिव फिर स्मॉल शॉर्ट लॉन्ग वो भी एग्जेक्टिव में आता है शेप ना फोर्थ वन शेप शेप मीन्स राउंड स्क्वेर ओवल, ट्राइंगल रेक्टेंगल दिस ऑल आर एग्जेक्टिव नाउ टेस्ट टेस्ट मीन्स स्वीट सॉल्टी बीटर हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना मम्मी फूड इज़ वेरी स्पाइसी स्पाइसी मीन्स क्या तीखा तो ये हमने फूड के बारे में बताया कि फूड कैसा है स्पाइसी है तो व्हाट स्पाइसी इज एक्जैक्टिव टेक्स्चर टेक्स्चर मीन्स हम हाथ लगाते हैं तो क्या महसूस होता है स्मूथ सॉफ्ट रफ ड्राई ये सारे टेक्स्चर है इट इज़ एक्जैक्टिव सेवन साउंड loud, quiet, nice are adjective. Noun number few, many, two जैसे हम बोलते हैं कि I have few car जैसे मेरे पास हमारे पास toy में होती ना I have few toy car few यानी थोड़ी तो few means adjective. Ninth weather weather means हम वातावरण climate how is the climate it is cold अभी कैसा चल रहा है climate it is हॉट ओके तो हॉट कोल्ड रेनी दिस ऑल आर एग्जेक्टिव इन शॉर्ट जो भी हम नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बताता है कि ये कैसा डिस्क्राइब करता है कि हाउ इट इज डैट वर्ड इज़ नोन एज एक्जेक्टिव ओके नाव हम सेंटेंस में देखेंगे अंडरलाइन द एग्जेक्टिव इन देंटेंसेज हमें सेंटेंस दिए हैं उसमें नाव एग्जाम्पल राज इज अ क्लेवर बॉय बट ही इज लेजी टू अब राज के बारे में क्या बताया गया यर नाउन इज राज राज के बारे में कि वो क्लेवर है और कैसा है लेजी है तो क्लेवर एंड लेजी इज एग्जेक्टिव सेकेंड राज न्यू शर्ट हैज स्वेयर बटन्स नाउ सी यो नाउन एंड शर्ट इज ऑल्सो नाउन पर शर्ट उसका कैसा है

ये कपड़े अच्छे हैं कपड़े कैसे हैं अच्छे हैं नाइस तो नाइस इज एक्जेक्टिव बट इट इज कॉस्टली पर क्या है महंगे हैं तो इट इज कॉस्टली कॉस्टली इज एक्जेक्टिव लुक एट हिज लॉन्ग एंड ग्रे बियर्ड ये हमारे सेंटेंस हमारे लेसन में ही सेंटेंस है ना लुक एट हिज लॉन्ग बियर्ड कैसी है लॉन्ग एंड ग्रे कैसी है लॉन्ग एंड ग्रे सेवन वन बिरबल वॉज अ क्लेवर एंड विटी मैन कैसा था क्लेवर एंड विटी मैन ये उसकी क्वालिटीज बताई गई है कि बिरबल कैसा था तो क्लेवर एंड विटी आर अवर adjective वर्ड्स एट वन द रोड इन द विलेज आर स्मॉल एंड डस्टी ना रोड्स कैसे हैं हमें सेंटेंस में क्या बताया गया है कि रोड्स इन द विलेज आर स्मॉल एंड डस्टी हाउ आर द रोड स्मॉल एंड डस्टी तो दिस स्मॉल एंड डस्टी इज आर एक्जैक्टिव पेज नंबर फिफ्टी टर्न योर पेज पेज नंबर फिफ्टी पर नाइन्थ पुअर मैं क्लोथ आर टॉन नाउ यहाँ पर दो बताए गए हैं मैन इज ऑल्सो नाउन एंड क्लोथ्स आर ऑल्सो नाउन तो मैन कैसा है पुअर सो पुअर इज एग्जैक्टिव एंड हाउ आर क्लोथ्स क्लोथ्स आर टॉन यानि फट गए हैं तो टॉन इज ऑल्सो एग्जैक्टिव नाउ नेक्स्ट सेंटेंस दैट यंग मैन लुक्स वीक वो यंग मैन कैसा दिख रहा है कैसा दिख रहा है वीक एंड मैन इज यंग मैन कैसा है यंग तो यंग इज एक्जेक्टिव एंड लुक्स वीक यानी वो कैसा लग रहा है वीक कमजोर तो वीक इज एगैक्टिव डेट स्पॉटेड काव हैज बिग हॉन्स यानी वो काव कैसी है पहले तो स्पॉटेड एंड उसके हॉर्न्स कैसे है बिग तो स्पॉटेड एंड बिग आर एग्जेक्टिव It is a cold and pleasant day. How is the day? Day kaisa hai? Cold and pleasant. Thirteen one. The bright sun is shining in the blue sky. The bright sun is shining in the blue sky. So how is the sun? Bright and shining in the blue sky. How is the sky? Blue. दिस टू वर्ड्स आर आवर एग्जेक्टिव ना फोर्टीन मोहन बाइसिकल इज न्यू एंड शाइनी बाइसिकल कैसी है मोहन की न्यू भी है और शाइनी भी है फिफ्टीन द लिटिल चिल्ड्रन आर हैप्पी हु आर हैप्पी बच्चे कैसे थे लिटिल और वो क्या हैप्पी है तो लिटिल एंड हैप्पी आर आवर एग्जैक्टिव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक स ओके नाव वी विवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपोजिशन ऑफ टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वॉट डू यू मीन बाई प्रीपोजिशन प्रिपोजिशन का मीनिंग क्या होता है प्रिपोजिशन मीन्स अ वर्ड डैट शोज प्लेस और पोजिशन या डायरेक्शन जिससे हमें प्लेस पता चलती है ओके okay? डायरेक्शन पता चलता है उसे उस वर्ड को कहते हैं प्रिपोजिशन for example they say in on under above behind in front of these all the words are called preposition okay now see students देर आर अब हमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में पढ़ना है तो देर आर थ्री प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम प्रीपोजिशन ऑफ थ्री वर्ड टाइम के लिए थ्री वर्ड्स यूज होते हैं एट इन एंड ऑन थ्री वर्ड्स कौन से हैं एट इन ऑन ओके फर्स्ट वन एट अब एट कब होता है सेंटेंस में यूज़ एट इज़ यूज फॉर अ एग्जैक्ट टाइम जब एग्जैक्ट टाइम दिया होता है जब एग्जैक्टली exactly बताया गया है कि वेक अप सेवन एट सेवन इन द मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम दिया गया है सेवन यूज होता है एट आई रीड अ बुक एट बेड टाइम इट इज क्लियरली सेट कि हम बुक्स कब पढ़ते हैं एट बेड टाइम जब एग्जैक्ट टाइम दिया होता है देन वी यूज़ एट नाउ सेकेंड इज इन वैन इन इज यूज इन इज़ यूज फॉर मंथ्स चुरीज जब मंथ ईयर दिया होता है तब हम इन यूज़ करते हैं आई विल गो टू जामनगर इन मे यहाँ पर मंथ यूज़ किया है मे राइट right? कि मैं मे में जाऊँगा बट एग्जैक्टली नहीं बताया गया है मे महीने मे के मंथ में वो कभी भी जाएगा तो इन आई विल गो टू जामनगर इन मे आई वेंट टू आबू इन टू थाउजेंड फोर्टीन यर इज गिवन कि मैं कब गया था टू थाउजेंड फोरटीन में अब गया था तो इन टू थाउजेंड फोर्टीन थर्ड वन ऑन ऑन इज यूज फॉर डेज एंड डेट्स जब एग्जैक्ट डेट दी होती है और डेज दिए हैं तब हम ऑन यूज करेंगे वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे हम संडे वाले दिन क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट डे दिया है राइट तो वी विल यूज़ ऑन जब भी संडे हो मंडे ट्यूजडे वेनजडे डेज हो गए तो उससे पहले ऑन आता है द स्कूल विल बी क्लोज ऑन नाइनटीन दिसम्बर एग्जैक्ट डेट इज गिवन ओवर ईयर विल यूज़ ऑन वी हैव अ हॉलीडे ऑन रिपब्लिक डे यर हॉलीडे के डे का नाम दिया है कि क्यों हॉलीडे है क्योंकि रिपब्लिक डे है तो ऑन रिपब्लिक डे ओके ना स्टूडेंट अंडरस्टूड वैन वी शुड यूज एट इन एंड ऑन नाउ वी विल सी इन आवर सेंटेंसेस एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रिपोजिशन अब हमें ये थ्री प्रिपोजिशन में से करेक्ट वाला यूज़ करना है सो अवर प्रिपोजिशन वी विल स्टार्ट ओके नाउ सी

शैली वॉज बॉर्न टू थाउजेंड फाइव डैश टू थाउजेंड फाइव यर यर इज गिवन कि वो कब बॉर्न हुआ था उसका टू थाउजेंड फाइव में तो जब ईयर आता है तो हम क्या लिखते हैं इन टू थाउजेंड फाइव फोर्थ वन आई गो टू द लाइब्रेरी डैश सैटरडेज नाउ यर डे इज सेड टू वील राइट ऑन ऑन सैटरडेज फिफ्थ वन वी हैव डिनर डैश एट ए पी एम यर टाइमिंग इज गिवन तो एट एट पी एम सिक्स वन दे केम टू अहमदाबाद डैश टू थाउजेंड फिफ्टीन टू थाउजेंड फिफ्टीन में वो अहमदाबाद आए थे तो वॉट वी विल राइट ईयर इन यस इन क्योंकि ईयर दिया है ना तो दे केम टू अहमदाबाद इन टू थाउजेंड फिफ्टीन नाउ सेवेंथ वन व्हाट विल यू डू डैश इंडिपेंडेंस डे वॉट विल यू डू डैश इंडिपेंडेंस डे यानी इंडिपेंडेंस डे एग्जैक्ट कोई हॉलीडे का नाम दिया है तो यहाँ पर हमने लिखा था ना कि जब भी कोई डेज का नाम दिया हो तो ऑन आएगा ऑन इंडिपेंडेंस डे आवर फाइनल एग्जाम्सर डैश अप्रिल मंथ इज गिवन तो इन अप्रिल अवर एग्जाम्स आर इन अप्रिल वी सेलिब्रेट गांधी जयंती डैश सेकेंड अक्टूबर तो हम गांधी जयंती कब मनाते हैं सेकेंड अक्टूबर तो ऑन सेकेंड अक्टूबर वी विल विजिट माउंट आबू डैश जून यहाँ पर हमें मंथ दिया है so, हम क्या लिखेंगे इन जून नाउ नेक्स्ट पेज पेज नंबर फिफ्टी वन इलेवेंथ वन मैन विल गो टू मार्स डैश फ्यूचर यानि मैन कब जाएंगे मार्स में फ्यूचर में तो इन फ्यूचर तो मैन विल गो टू मार्स इन फ्यूचर यानी वो अपने फ्यूचर में जाएंगे ट्वेल्व जे केम होम डैश लंच टाइम लंच टाइम एग्जेक्ट दिया है कि खाना खाने के टाइम बैड टाइम लंच टाइम ये सब में ऐट आता है विल राइट एट रामजी भाई गोज फील डैश द मॉर्निंग इन द मॉर्निंग विल रिंग द बेल डैश एट ए एम तो एट आएगा यहाँ पर एट एग्जैक्ट टाइम इज गिवन फिफ्टीन शो द शॉप क्लोज इज डैश मिड नाइट कब क्लोज होती है शॉप एग्जैक्ट टाइमिंग इज गिवन मिड नाइट तो एट Midnight. Sixteen. The father will come dash May. In May. The movie begins dash 6 p.m. So at 6 p.m. Okay. 18. Maya will celebrate her birthday dash 5th June. 5th January. कब वो अपना बर्थडे मनाएंगे फिफ्थ जनवरी तो डेट इज गिवन तो वी विल राइट ऑन फिफ्थ जेन्यूवरी द क्लासेस बिगेन्स डेट डैश फाइव थर्टी पी एम तो एट फाइव थर्टी पी एम ट्वेंटी वॉट डू यू डू डैश संडेज ऑन संडेज बिकॉज डे आर गिवन नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एट टू टेन सेंटेंसेज ऑन माई डे यानि आप अपना पूरा डे कैसे स्पेंड करते हो हाउ यू स्पेंड योर डे डेट यू हैव टू राइट इन दिस सेंटेंस ओके आप अपना डे कैसे पूरा दिन बिताते हो मीन्स हम लिख सकते हैं कि आई वेकअप सिक्स थर्टी इन द मॉर्निंग आप सिक्स थर्टी को उठते हो आई ब्रश माई टीथ उसके बाद हम क्या करते हैं आई ब्रश माई टीथ आई हैव माई बाथ आई ईट माई ब्रेकफस्ट एट सेवन ए एम आई गो टू स्कूल सेवन थर्टी ए एम आई कम होम एट वन पी एम यानी मैं पूरा दिन का हमारा रूटीन लिखना है कि आप पूरे दिन में क्या वर्क करते हो ओके okay? जो भी आपका रूटीन है वो आपको इसमें लिखना है दिस टॉपिक इज इन होम वर्क यू हैव टू राइट इट बाई योर ओन अपर वी कंप्लीट द नोट्स ऑफ अवर यूनिट फोर वॉट टाइम इज एट नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बिगेन विद आवर नेक्स्ट यूनिट Okay, students, till then, bye, stay at home, and stay safe.